नमस्कार छात्रों, आज हम लोग इन्वर्टेड इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले की कक्षा में हमने कई प्रकार के बूलियन ऑपरेटर्स के साथ में बूलियन रिट्रीवल हम कैसे कर सकते हैं इसके बारे में देखा था, और साथ में ही हमने शेक्सपियर के नॉवेल्स में जो आने वाले कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि एंटोनी, कैलपुर्निया, सीजर, तो इन सभी नामों के हमने एक बुलियन मैट्रिक्स बनाकर उसको रिट्रीव कैसे करते हैं बुलियन ऑपरेटर से, ये भी देखा था। तो यहाँ पर ये जो इन्वर्टेड इंडेक्स कॉन्सेप्ट है, ये हमारा हम बोल सकते हैं कि सेंट्रल आइडिया है। सेंट्रल आइडिया है आपके इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल में। तो अब हम लोग ये जो इन्वर्टेड इंडेक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, तो इसके जो भी पैरामीटर्स हैं इसके बारे में हम लोग पहले जानकारी ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसे सबसे पहले देखेंगे कि डिक्शनरी क्या होती है और पोस्टिंग लिस्ट क्या होती है। तो यहाँ पर डिक्शनरी को हम लोग बहुत बार वोकैबुलरी और लेक्सिकॉन भी बोलते हैं। जैसे कि देखिए, ये जो शेक्सपियर के इतने सारे नॉवेल्स के बारे में हमने देखा था और उसमें जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं उसके बारे में देखा था, तो हम बोल सकते हैं कि उस डॉक्यूमेंट में जितने भी टर्म्स है, जितने भी टोटल वोकैबुलरी है, उसे हम लोग लेक्सिकॉन भी बोल सकते हैं। मतलब एंटनी नाम का जो भी है उसमें एंटनी भी आ रहा है, सीजर भी आ रहा है, इस तरीके से। उसके बाद में है आपका पोस्टिंग लिस्ट। तो पोस्टिंग लिस्ट ये होती है ऐसे कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उस डॉक्यूमेंट्स का एक तरीके से रिकॉर्ड होता है कि कौन सी डॉक्यूमेंट कौन सी पोस्टिंग लिस्ट में आ रही है। तो इसका हम लोग उदाहरण देखेंगे और आपको बहुत आसानी से ये समझ में भी आ जाएगा। तो ये डिक्शनरी और पोस्टिंग लिस्ट, ये दो टर्म्स हमने देखी है। तो इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हम लोग इससे जब इन्वर्टेड इंडेक्स बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे। इन्वर्टेड इंडेक्स बनाने का जो प्रोसीजर है वो स्टेप बाय स्टेप क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमने डॉक्यूमेंट्स में से जितने भी आपके टोकन्स हैं, या फिर हम जिसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपके डिक्शनरी आइटम्स हैं, डिक्शनरी आइटम्स हमने कहा था, या फिर हमने कहा था कि लेक्सिकॉन या फिर वोकैबुलरी। तो ये जो आइटम्स हैं, ये सारे आइटम्स हमने एक साथ कलेक्ट किए, विच नीड टू बी इंडेक्स्ड। तो जहाँ पर ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, फ्रेंड्स, रोमन, कंट्रीमैन, ये सारे हमारे एग्जांपल्स हो गए आपके डिक्शनरी टर्म्स के, लेक्सिकॉन के, और उसमें हमने डिक्शनरी बनाई। अब ये जो डिक्शनरी है आपकी, जो कलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स है, ये जो कलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स हमें करने हैं टोकनाइज। तो ये हमारी दूसरी स्टेप आ गई कि यहाँ हमने टोकनाइज किया, और टोकनाइज करते वक्त हमने क्या किया, इस डॉक्यूमेंट को लिस्ट ऑफ टोकन में बदल दिया। तो जैसे ये डॉक्यूमेंट है, पर अब मैं अगर टोकनाइज कर दूंगी तो इसे मैं अलग अलग लिखूंगी ताकि हमारे टोकन्स अलग है ये हमें समझे, रोमन्स, कंट्रीमैन, और मैं इस टोकन्स को एक तरीके से अलग कर दूंगी। तो ये हमारे पूरे टोकन्स हैं। अब आगे हमने करना ये है, एक बार हमने टोकनाइजेशन प्रोसेस कर ली, हमें पता ही है, पिछले वर्ष भी हमने सीखा था टोकनाइजेशन क्या है, और उसके बाद में हमें करनी है लिंग्विस्टिक प्री प्रोसेसिंग। तो लिंग्विस्टिक प्री प्रोसेसिंग में जैसे कि आपने गेस किया ही होगा है कि स्टेमिंग है, लिमिटाइजेशन है, इस तरीके के स्टेप्स आते हैं। उसके बारे में भी हम लोग आगे की स्लाइड में मैंने लिखा हुआ है, उसको हम देखेंगे। तो इसके बाद हमने इस पर करनी है लिंग्विस्टिक प्री प्रोसेसिंग, ताकि आपका जो पूरा टेक्स्ट है वो एक नॉर्मलाइज टोकन्स में बदल जाए। अब
ये एक बार नॉर्मलाइज टोकन हो गए, तो देखिए मैं यहाँ जो जगह है यहाँ लिख रही हूँ फ्रेंड्स है, तो फ्रेंड का मैंने लिंग्विस्टिक प्री प्रोसेसिंग कर कर मैंने फ्रेंड लिखा, रोमन का मेरा रोमन्स का मेरा रोमन आया, ठीक है, कंट्री मैन का मैं कंट्री मैन लिख सकती हूँ। तो ये मेरा लिंग्विस्टिक प्रोसेसिंग के बाद का रिजल्ट है, और ये टर्म्स मुझे फाइनली इंडेक्स्ड करनी है। ये मेरे टोकन्स अभी प्री प्रोसेस्ड हो गए हैं, नॉर्मलाइज हो गए हैं। अब हमें ये करना है कि इंडेक्सिंग करते वक्त हमने इन्वर्टेड इंडेक्स बनानी है, इन्वर्टेड इंडेक्स बनानी है जिसमें कि डिक्शनरी और पोस्टिंग ये दोनों भी चीज़ें रहे। तो डिक्शनरी और पोस्टिंग ये दोनों चीज़ें जो रहेगी वो किस प्रकार से दिखेगी ये आपको पता चलेगा इस उदाहरण से। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ आप ये मैंने मैनिंग की बुक से लिया है, इंट्रोडक्शन टू इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल में से ये फिगर लिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं डिक्शनरी कैसे दिखेगी और पोस्टिंग कैसे दिखेगी। ब्रूटस सीजर कैलिफोर्निया, ब्रूटस सीजर कैलिफोर्निया ये मेरी डिक्शनरी है, मतलब मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए थे उस डॉक्यूमेंट्स में से मैंने जो भी वोकैबलरी थी उसकी, उस वोकैबलरी को मैंने एक साथ लिखा, ठीक है, वोकैबलरी को एक साथ लिखा या फिर लेक्सिकॉन को एक साथ लिखा मैंने, उसकी मैंने डिक्शनरी बनाई। तो ये मेरी डिक्शनरी है यहाँ पर, और ये जो डिक्शनरी है, 10 मिनट मैडम क्लास चालू है, 10 मिनट। ये जो मेरी डिक्शनरी है, ये डिक्शनरी मुझे अब सारे के सारे टर्म्स दे देगी, और जो टर्म्स है उस टर्म्स की आप पोस्टिंग देख सकते हैं। तो यहाँ 1, 2, 4, 11, 31, 45, 173, 174 ये मेरी पोस्टिंग है। ये पोस्टिंग क्या है? ये जो पोस्टिंग है, ये मेरी जो पोस्टिंग बता रही है, ये पोस्टिंग मुझे बता रही है कि ये 1 नंबर का जो डॉक्यूमेंट है उसमें ब्रूटस है, 2 नंबर का जो डॉक्यूमेंट है उसमें ब्रूटस है, 4 नंबर का डॉक्यूमेंट है उसमें भी ब्रूटस है, 11 उसमें है, 31 उसमें है। अब देखिए कल्पूर्णिया, कल्पूर्णिया केवल 2, 31, 54, 101 इसमें ही है, बाकी इसमें नहीं है। तो यहाँ पर आपकी डिक्शनरी और ये आपकी पोस्टिंग नज़र आ रही है। तो देखिए ये, इसको समझने के लिए हम लोग फिर से बैग जाएंगे और हम लोग देखते हैं इसको प्री प्रोसेस कैसे करते हैं, प्री प्रोसेसिंग फेज कैसे करते हैं। मैं ज़्यादा यहाँ रुकूंगी नहीं, क्योंकि आपको ये सारे स्टेप्स पता है प्री प्रोसेसिंग के, ट्रांसफॉर्मेशन के, जहाँ पर हमने तीसरे इसमें लिखा हुआ था कि डू लिंग्विस्टिक प्री प्रोसेसिंग। तो लिंग्विस्टिक प्री प्रोसेसिंग में हम लोग सबसे पहले स्टॉप वर्ड रिमूव करते हैं, जैसे कि इज है, ऑफ, द, फॉर, ये सारे इंग्लिश के स्टॉप वर्ड्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो हम स्टॉप वर्ड रिमूव करेंगे, उसके बाद में लेमटाइजेशन करेंगे, जिसका हम डिक्शनरी फॉर्म लिखेंगे वर्ड का, जैसे वॉक है, वॉक्स का वॉक लिखेंगे, थॉट का थिंक लिखेंगे। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लेके किया है, फ्रेंड्स है तो फ्रेंड लिखा है, रोमन्स है तो रोमन लिखा हुआ है, इस तरीके से। फिर स्टेमिंग है, स्टेमिंग भी एक तरीके से लेमटाइजेशन जैसा ही होता है, पर इसमें हम लोग रूट वर्ड में ट्रांसफॉर्म करते हैं शब्दों को, उसके रूट वर्ड में ट्रांसफॉर्म करते हैं, और उसमें ट्रांसफॉर्म करने के बाद हम लोग उसका एंड जो है वो कट कर देते हैं, तो इसे हम लोग स्टेमिंग बोलते हैं। तो कई बार लेमटाइजेशन और स्टेमिंग ये कंफ्यूजिंग प्रोसेस होती है, पर दोनों में भी डिस्टिंक्शन है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद में हम लोग फाइनली इन्वर्टेड इंडेक्स बनाते हैं। तो इन्वर्टेड इंडेक्स जब बनाते हैं, तो इसकी जो प्रोसीजर मैंने बताई है, देखिए सबसे पहले तो हमने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन किया, डॉक्यूमेंट्स में से आपकी जितनी भी वोकैबलरी है उस वोकैबलरी को देखा, और वोकैबलरी को देखने के बाद में हमने उस वोकैबलरी की एक तरीके से डिक्शनरी बना दी। डिक्शनरी बनाने के बाद हमने उसकी पोस्टिंग्स निकाली, पोस्टिंग्स मतलब को उस पर्टिकुलर वोकैबलरी या फिर वो जो लेक्सिकॉन है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट में आता है। तो ये 1, 2, 3, 4 ये सारे हमारे डॉक्यूमेंट दर्शाते हैं या फिर डॉक्यूमेंट आईडी दर्शाते हैं। तो इस
के लिए आपको आगे और भी कुछ एग्जाम्पल्स है वो हम देखेंगे। तो यहाँ ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल हमारा इस तरीके से है कि देखिए, डॉक्यूमेंट वन और डॉक्यूमेंट टू हमने लिखा है, इसमें रेसिपी ऑफ पास्ता विद सॉस पेस्टो। दूसरे डॉक्यूमेंट में लिखा है रेसिपी ऑफ डिलीशियस कार्बोनारा पास्ता। तो ये जब हम लोग इन्वर्टेड इंडेक्स बनाएंगे, तो हमने जिस तरीके से प्रोसीजर बताई है कि सबसे पहले हमें एक डिक्शनरी बनानी है, वोकैबुलरी बनानी है, उसको सेंटेंसेस को टोकन्स में हमने छाटा, उसके बाद में उसकी एक डिक्शनरी बन गई, उसका लिंग्विस्टिक प्रोसेसिंग वगैरह करना है। तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सेविंग द टोकन्स कैन बी ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म मतलब यहाँ लिंग्विस्टिक प्रोसेसिंग लिखा है, अभिप्रेत है ये लिंग्विस्टिक प्रोसेसिंग। तो ये जो लिंग्विस्टिक प्रोसेसिंग के बाद में हम लोग फाइनल डिक्शनरी एंट्रीज बनाएंगे। अब यहाँ जितनी भी डिक्शनरीज एंट्री बनाई है, इस डिक्शनरीज एंट्रीज में हम लोग कुछ चीज़ें सर्च करेंगे। तो देखो, डिक्शनरी एंट्री जब हम बनाते हैं तो ये सारे टोकन्स हैं हमारे, कार्बोनारा, डिलीशियस ऑफ पास्ता पेस्टो रेसिपी सॉस विथ। तो ये देख सकते हैं आपकी डॉक्यूमेंट वन और डॉक्यूमेंट टू, यहाँ ये प्लस साइन से दर्शाया गया है, ये आप कोई भी साइन कन्वीनियंट के लिए उपयोग में ला सकते हैं। तो कार्बोनारा का प्लस साइन डॉक्यूमेंट टू में, इसका मतलब उसका प्रेजेंट केवल डॉक्यूमेंट टू में है, इसका मतलब है कि उसकी जो पोस्टिंग लिस्ट है वो डॉक्यूमेंट टू है। अब डिलीशियस भी डॉक्यूमेंट टू ऑफ जो है वो आप देख सकते हैं, यहाँ दोनों भी डॉक्यूमेंट में है, तो इसका मतलब वो डॉक्यूमेंट वन और डॉक्यूमेंट टू दोनों में है। उसी तरीके से पास्ता भी वन और टू में है, पेस्टो केवल वन में है, रेसिपी वन और टू में है, सॉस वन में विथ वन में। इस तरीके से हमने इसकी पोस्टिंग्स निकाली है, पोस्टिंग लिस्ट निकाली है। तो अब यहाँ पर जो क्वेरी आप देख सकते हैं, सर्च क्वेरी, अब यहाँ पास्ता रेसिपी, ये जो मान लो मेरी सर्च क्वेरी है, वो सर्च क्वेरी हम लोग सबसे पहले ये डिवाइड करेंगे दो टोकन्स में, पास्ता और रेसिपी, और फिर हम लोग मैच करेंगे दोनों डॉक्यूमेंट से, जो भी आपकी इन्वर्टेड इंडेक्स है वो दोनों डॉक्यूमेंट से मैच करेंगे। और हम ये देखेंगे कि देखो, पास्ता और जो रेसिपी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमने पोस्टिंग्स दी हुई है, तो पास्ता भी दोनों में है और रेसिपी भी दोनों में है, तो इसलिए दोनों डॉक्यूमेंट का स्कोर यहाँ पर सेम आएगा। फिर दूसरे इसमें देखो, कार्बोनारा पास्ता, कार्बोनारा पास्ता में हम देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है कार्बोनारा केवल डॉक्यूमेंट टू में है और पास्ता दोनों में है। तो यहाँ हमारा ये लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट टू विल हैव अ बिगर स्कोर देन डॉक्यूमेंट वन, क्योंकि डॉक्यूमेंट वन में केवल पास्ता है, पर कार्बोनारा पास्ता हमें दोनों में मिल रहा है, दोनों इसमें डॉक्यूमेंट टू में मिल रहा है। ये देख रहे हैं आप, दोनों में भी आपका कार्बोनारा और ये जो पास्ता है ये दोनों में है, पर डॉक्यूमेंट वन में केवल पास्ता है। तो इसलिए क्या होगा कि ये जो सर्च क्वेरी है कार्बोनारा पास्ता, उसके लिए डॉक्यूमेंट वन का जो स्कोर रहेगा वो कम रहेगा और डॉक्यूमेंट टू का जो स्कोर रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, हैव अ बिगर स्कोर। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि बिकॉज डॉक्यूमेंट टू हैज़ बोथ द टोकन्स, इस वजह से इस डॉक्यूमेंट टू को प्रायोरिटी मिलेगी सर्चिंग में। वैसे ही देखो, डिलीशियस कार्बोनारा में क्या है कि ओनली डॉक्यूमेंट टू, क्योंकि यहाँ पर डॉक्यूमेंट वन में कोई भी टर्म इसमें से नहीं है, कोई भी टर्म नहीं है, ये देख सकते हैं यहाँ पर कार्बोनारा डिलीशियस ये जो दोनों दिख रहे हैं आपको, ये दोनों भी टर्म्स डॉक्यूमेंट टू में है, डॉक्यूमेंट वन में बिल्कुल भी दोनों में से कोई भी टर्म नहीं है। इस वजह से फुल्ली डॉक्यूमेंट टू का ही स्कोर आएगा, सर्च क्वेरी आपकी डॉक्यूमेंट टू को ही रिट्रीव करेगी। तो इस प्रकार से इस इन्वर्टेड इंडेक्स से हम लोग बहुत आसानी से सर्च
कर सकते हैं। तो ये एक जो उदाहरण है शेक्सपियर के नॉवेल का, जिसमें कि हमने डॉक्यूमेंट वन और डॉक्यूमेंट टू लिया है, और डॉक्यूमेंट वन और डॉक्यूमेंट टू की ये मैनिंग के बुक से हमने उदाहरण दिया है। यहाँ पर मैंने टर्म और टर्म से डिक्शनरी बनाई है, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट आईडी लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं आई डिड इनैक्ट जूलियस सीजर, इस तरीके से सबसे पहले हमने एक तरीके से एक इंडेक्स तैयार किया है टर्म्स का। ये सारे टर्म्स हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट आईडी लिखे हुए हैं। अब हमें एक्चुअल पोस्टिंग लिस्ट तैयार करनी है और डिक्शनरी तैयार करनी है। तो डिक्शनरी तैयार करते वक्त हम लोग देखो यहाँ एम्बिशियस लिखेंगे। हमने इसका यहाँ ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि सॉर्टिंग भी एक स्टेप होता है। हम जो भी डिक्शनरी बनाने के बाद में हम लोग सारे टर्म्स को सॉर्ट भी कर लेते हैं। तो जैसे एम्बिशियस है, तो एम्बिशियस पोस्टिंग लिस्ट उसकी टू है। टू का मतलब यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो एम्बिशियस है ये डॉक्यूमेंट आईडी टू में आया हुआ है। वैसे कि ब्रूटस है, ब्रूटस की फ्रिक्वेंसी दो है, मतलब वो दो बार आया हुआ है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट में? वन और टू। अब ब्रूटस ये देखिए वन में भी दिखेगा आपको और टू में भी दिखेगा। यहाँ पर ये इस तरीके से हमने उसकी पोस्टिंग लिस्ट भी बनाई है और साथ ही में उसकी डिक्शनरी भी बनाई। ये है डिक्शनरी और ये है उसकी पोस्टिंग लिस्ट। तो इसी के आधार पर आपको ये कुछ एक्सरसाइजेज है जो कि आपको करनी है। इसमें आपको इन्वर्टेड इंडेक्स बनानी है डॉक्यूमेंट 1, 2, 3, 4 के जितने भी सेंटेंसेस है उसमें। और दूसरी एक्सरसाइज है कि आपको टर्म डॉक्यूमेंट इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाना है इस डॉक्यूमेंट 1, 2, 3, 4 का, और इन्वर्टेड इंडेक्स भी बनानी है। तो ये सारा था आपका इन्वर्टेड इंडेक्स। और हम लोग आगे ये प्रिसीजन और रिकॉल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का ही एक भाग है।